नमस्कार, श्री पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं आनंद मोहन की, जो गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई की मांग अब तेज हो गई है और उनके बेटे और वर्तमान में शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने अब इसके लिए मुहिम छेड़ दी है। जी हाँ, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि चेतन आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए अब रिलीज आनंद मोहन करके ये मुहिम छेड़ी है और साथ ही साथ जस्टिस फॉर आनंद मोहन ये करके हैशटैग दिया गया है चेतन आनंद की तरफ से, और लोगों से एक अपील की गई है। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपील की है चेतन आनंद ने, जो विधायक हैं वर्तमान में शिवहर के और आनंद मोहन के बेटे हैं। तो अब चेतन आनंद ने एक अपील जो की है उसमें लिखा हुआ है ट्विटर ट्रेंड अलर्ट, एक तस्वीर जारी की है उन्होंने। आनंद मोहन अपने पिता की तस्वीर है और उसमें ट्विटर ट्रेंड अलर्ट को उन्होंने टाइमिंग बताया है लोगों को, अपने चाहने वालों को, उनके समर्थकों को, कि 15 मई यानी कल 11 बजे और 15 मई को ही 2 बजे, ये दो टाइमिंग उन्होंने बताया है कि इन दो टाइमिंग पर आप इन दो जो हैशटैग है इसका समर्थन करें और आनंद मोहन की रिहाई की मांग करें। उन्होंने अपील किया है सोशल मीडिया के जरिए। क्या कुछ लिखा है उन्होंने, हम आपको ये बताते हैं। चेतन आनंद ने लिखा है कि कुछ संस्थाओं का आनंद मोहन जी के समर्थन में ट्विटर ट्रेंड 11 AM से शुरू कर दिया जाएगा और कुछ का दो बजे से। सभी से आग्रह है कि टाइमिंग मैच करके अपना अपना ट्वीट करें। प्रयास यह है रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में भाग ले सके और पूरे दिन यह ट्रेंड रहे। उसके आगे वो लिखते हैं दोनों हैशटैग रिलीज आनंद मोहन और जस्टिस फॉर आनंद मोहन में स्पेलिंग का ध्यान रखें। ट्वीट में दोनों हैशटैग जरूर लिखें और अपनी मांग के साथ साथ अपना नाम और शहर या गांव का नाम भी लिखें। इस हिसाब की लड़ाई में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। जय हिंद। बड़ी अपील की है चेतन आनंद ने, जो शिवहर के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं और अभी तेजस्वी के खास विधायकों में से एक हैं, युवा विधायक हैं और बोलते बेबाक हैं। तो अपने पिता की रिहाई के लिए अब उन्होंने कैंपेनिंग तेज कर दी है। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो हम आपको बताएं थोड़ा सा आनंद मोहन के बारे में कि क्या कुछ वजह है जिस वजह से वो जेल की सजा काट रहे हैं। तो इस कहानी को अगर हम आप थोड़ा सा बताते हैं कि 5 दिसंबर 1994 का वो वाक्या है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, जिस भीड़ ने डीएम की हत्या की थी उस भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन और उनके साथ सजा पाए नेता कर रहे थे। दरअसल आनंद मोहन पर ही आरोप लगा कि उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे जिसने डीएम की हत्या की थी। हम आपको बताएं कि एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में यानी 5 दिसंबर 1994 की ये जो घटना है जिसकी वजह से जेल में है आज आनंद मोहन, उसके एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और इस भीड़ में शामिल लोग छोटन शुक्ला के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी दौरान मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना से गोपालगंज जा रहे जो डीएम थे जी कृष्णैया, गोपालगंज के डीएम थे उस वक्त, पर भीड़ ने मुजफ्फरपुर के खबड़ा गाँव में हमला कर दिया था और इस हमले में डीएम की मौत हो गई थी, जी कृष्णैया की मौत हुई थी। ये 1994 का मामला है। तो इस मामले में ही जो है ये सजा काट रहे हैं आनंद मोहन। बताया ये जा रहा है कि उस भीड़ का वो नेतृत्व कर रहे थे और इनके निर्देश पर ही ये घटना को अंजाम दिया गया, ये आरोप है। और इसके बाद आपको इस घटना के क्रम के बारे में हम बताएं कि कृष्णैया जो जी कृष्णैया जो गोपालगंज के डीएम थे तत्कालीन की हत्या में पटना की निचली अदालत ने आनंद मोहन को 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन के साथ पूर्व मंत्री अखलाक अहमद और अरुण कुमार को भी मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, बाद में इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। और इसी मामले में अदालत ने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, जो वर्तमान में जिन्होंने चुनाव लड़ा था हालांकि जीत नहीं सकी, जो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला, शशि शेखर और हरेंद्र कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में सबूत के अभाव में इन्हें बरी कर दिया था। तो ये बात हुई जिस वजह से आनंद मोहन सजा काट रहे हैं और अब उनकी रिहाई की मांग तेज हो गई है। पिछले दिनों की आपको याद दिलाएं तो नीतीश कुमार ने भी भरोसा दिलाया था कि वो आनंद मोहन की रिहाई के लिए प्रयास करेंगे, इस तरह का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन बाद में उम्मीदें टूट गईं।
तो लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है वो अपने बेटे के साथ आरजेडी में शामिल हुई थी, चुनाव भी लड़ा था दोनों ने और बेटे यानी चेतन आनंद ने जीत हासिल की थी। थोड़ा सा आनंद मोहन के बैकग्राउंड के बारे में हम आपको बता देते हैं जिनकी रिहाई की मांग की जा रही है। आनंद मोहन शिवहर से पूर्व सांसद हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं और आनंद मोहन एक महान स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह के परिवार से जुड़े हुए हैं। इनके परिवार में कई लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें 2 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। तो हम आपको बता रहे हैं कि आनंद मोहन के बारे में उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, जिनकी रिहाई की मांग तेज कर दी है उनके बेटे चेतन आनंद ने और अब उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी है सोशल मीडिया के जरिए, रिलीज आनंद मोहन और जस्टिस फॉर आनंद मोहन, ये 2 हैशटैग बनाए गए हैं जिस पर कल लोगों से अपील की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके आनंद मोहन की रिहाई की मांग करें। तो हम आपको बता रहे हैं कि मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करने के पीछे भी आनंद मोहन ने कड़ी मेहनत की थी जो रंग लाई थी। भगत सिंह और नेल्सन मंडेला आनंद मोहन के आदर्श हैं। कोसी की मिट्टी पर पैदा लिए आनंद मोहन क्रांति के अग्रदूत और संघर्ष के पर्याय के तौर पर भी जाने जाते हैं इस इलाके के लिए। सत्ता के मुखर विरोधी होने के कारण उन्होंने अपनी जवानी का अधिकांश हिस्सा जेल में ही बिताया था। इस तरह की बात हम आपको बता रहे हैं। आनंद मोहन के बारे में बता दें कि उनका राजनीतिक जीवन क्या रहा था, पूरी बात बताते हैं। आनंद मोहन सिंह जो अपने प्रारंभिक जीवन काल में चंद्रशेखर सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर उनके राजनीतिक गुरु थे। आनंद मोहन सिंह ने 1980 में क्रांतिकारी समाजवादी सेना का गठन किया लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। आनंद मोहन 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल से विजयी हुए थे। उसके बाद आनंद मोहन ने 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना की, बिहार पीपुल्स पार्टी उन्होंने बनाया था 93 में और उनकी पत्नी लवली आनंद ने 1994 में वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव में जीत हासिल की थी। 1995 में युवा आनंद मोहन में भावी मुख्यमंत्री को भी देखा गया था, यानी 1995 में वो युवा मुख्यमंत्री के तौर पर भी सामने आए थे। 1995 में उनकी बिहार पीपुल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था। तो 1995 की हम बात बता रहे हैं, जब आज वर्तमान में जो सीएम है नीतीश कुमार, उनकी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन आनंद मोहन की पार्टी बीपीपा यानी बिहार पीपुल्स पार्टी ने किया था। आनंद मोहन 1996 और 98 2 बार से शिवहर के सांसद रहे हैं। आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी के जब नेता थे तो अब पार्टी अस्तित्व में नहीं है, जब पार्टी थी उस वक्त, अब अस्तित्व में नहीं है ये। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जब राजनीतिक करियर में आनंद मोहन की जो सबसे बड़ी भूल रही कि 1998 में लालू यादव से समझौता करके जो है उन्होंने कहा कि ये बड़ा उनका जो कदम था ये संभवतः उनके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी भूल के तौर पर माना गया था। उसके बाद उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया और फिलहाल वर्तमान में उनके जो बेटे हैं वो विधायक हैं, आनंद मोहन सिंह के जो बेटे हैं चेतन आनंद, और उन्होंने अब कैंपेनिंग शुरू कर दी है आनंद मोहन की रिहाई के लिए और उन्हें उम्मीद है कि वो अपने पिता की रिहाई सुनिश्चित कराएंगे इस कैंपेनिंग के जरिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।